300, कहने का मतलब 1/4, कहने का मतलब अगर पहले था 4 सीपी तो रिडक्शन हो गया 1 का, अब बन गया 3 सीपी। बास का कितना हो गया जी, होलसेलर है जी 15%, मतलब 15/100, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 0, 3/20 प्रॉफिट ये कमा रहा है, पहला गुणा दूसरा बटे में 100। बात समझ आई, कहने का मतलब 30 कर लेता हूं, इस पर अगर 5% गेन है तो ये हो गया सीपी, एसपी कितना निकल के आया जी 105। स्वागत है आपका इस वीडियो में, ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक है आपका बेटे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसके कुछ बेहतरीन सवाल शुरू करते हैं। क्या बोला गया, पहला सवाल एक बार देख लिया जाए, पहले सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, द प्राइस ऑफ ए रेजर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, 25% का रिडक्शन है, बहुत अच्छी बात है जी, रिडक्शन हो गया 25% का, प्राइस उसकी कम हो गई है, ए पर्सन कैन बाय टू मोर इरेजर्स, कोई बंदा रिडक्शन के बाद दो ज्यादा इरेजर खरीद सकता है फॉर ए रूपी, एक रुपए के अंदर, रुपी वन के अंदर, हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर ए रूपी आफ्टर रिडक्शन, आपसे बोला गया कि रिडक्शन होने के बाद कितनी इरेजर्स वो उसी कीमत में खरीद सकता है, तो सवाल को आप यहां से पकड़िए, क्या बोला गया कि भाई इरेजर के अंदर रिडक्शन है 25% का, 25% रिडक्शन है कि नहीं, सवाल के अनुसार चलना है, रिडक्शन 25% मतलब 25/100, कहने का मतलब 1/4, कहने का मतलब अगर पहले था 4 सीपी तो रिडक्शन हो गया 1 का, अब बन गया 3 सीपी, बात समझे, तो पहले कितना था 4 था जी, अब कितना हो गया जी 3 हो गया, कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन इसका उल्टा होगा, पहले अगर वो 3 था तो अब 4 कंज्यूम कर रहा है, इनमें डिफरेंस कितना है 1 का, और ये 1 कितने के बराबर दे रखा है 2 के बराबर, बात समझे कि भाई जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो पहले कितना कंज्यूम कर रहा था 3 × 2 = 6, ठीक है, अब कितना करेगा 4 × 2 = 8, क्या ये बात समझ आती है, तो अब कितनी इरेजर खरीद पाएगा उसी कीमत में, वो खरीद पाएगा जी 8, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन को आप इस तरीके से चलाएंगे, ध्यान से समझते चलिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है और आपका किस तरीके से उसके अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और किस तरीके से आप उसके आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, राघवन, क्या बोला जा रहा है कि भाई कोई राघवन है, ठीक है, परचेज्ड ए स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं इसको, ये लीजिए कोई राघवन है, वो राघवन क्या करता है, परचेज ए स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, कहने का मतलब वो उसको 13/15 सेलिंग प्राइस पे खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है 13/15 ऑफ सेलिंग प्राइस, एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, और ये 12% का मोर मतलब प्रॉफिट कमाता है, कहने का मतलब जो पहले सेलिंग प्राइस थी उस पे 12% ज्यादा कमाता है, हिज गेन इज, वो आपसे बोला कि उसका गेन बता दीजिए कितना है, बात समझ आई, क्या बोला गया कि भाई किसी स्कूटर की जो कीमत है राघवन के लिए सेलिंग प्राइस का 13/15 है, बात समझ गए, अब क्या है उसने 12% का प्रॉफिट कमाया है, तो आपसे बोला गेन प्रतिशत बता दो, किस तरीके से होगा ये सवाल, ध्यान से देखिए, यहां से सवाल को पकड़िए कि भाई सीपी अपॉन एसपी जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 13/15, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होता, तो सीपी हम मान लें 13 है और एसपी अगर हम बोलें तो 15 है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया है 12% का, किस पर, इस सेलिंग प्राइस पर, कहने का मतलब इसका 112% और निकाल लूं तो न्यू एसपी मुझे मिल जाएगा, बात समझ आई, इसे आप कैलकुलेट करते हैं तो 12, 2, 15, 2, 30, 3, 15, 16, 17, 18, 1, 15 और 1, 16, कहने का मतलब अब उसे 16.8 ये उसकी नई एसपी आ रही है, ये है उसकी नई एसपी, सेलिंग प्राइस है ये, सॉरी कॉस्ट प्राइस है ये, प्रॉफिट कितने प्रतिशत हुआ जी 16.8 - 13/13, 13 उसका सीपी था, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब 13, 14, 15, 16, 3.8/13 × 100, ये उसका प्रॉफिट आता है, बात समझ आई, ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और फर्दर कमेंट कर दीजिएगा कि आंसर क्या आता है, क्वेश्चन की अप्रोच ये रहनी चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखते हैं एक बार, ये लीजिए क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लीजिए, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन, कोई आर्टिकल 5% गेन पर बेचा जाता है, इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, 5%
लॉस की जगह हमने 5% गेन पर बेचा, द मैन गेन्स रुपीज 5 और ऐसा करने पर 5 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आपसे बोला गया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी बता दो, सीपी उसका बता दो। किस तरीके से बताएंगे ध्यान से देखिए, 5% का गेन है, कहने का मतलब अगर मैं सीपी 5% मतलब 5/100 मैं सीपी 100 सेट कर लेता हूं, इस पर अगर 5% गेन है तो ये हो गया सीपी, एसपी कितना निकल के आया जी 105। अगर 5% लॉस पर हम बेचते हैं तो हमारा एसपी दूसरा क्या निकल के आ रहा है जी 95। ये दो एसपी समझ आते हैं, लॉस पे और प्रॉफिट पे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी 95, 10 है, और ये 10 एक्चुअल में किसके के बराबर है 5 के बराबर है, कहने का मतलब एक किसके बराबर हुआ 5/10 के, बात समझे। कॉस्ट प्राइस क्या है, हमने 100 सेट करी थी तो 100 के हिसाब से कितनी बन गई, 100 के हिसाब से बनी 50 रुपए, बात समझे। क्वेश्चन इस तरीके से, आई होप बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर जब लॉस दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो तो आपने क्या करना है, दोनों कैलकुलेट करने, दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में किसके बराबर है उसके बराबर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। और आपसे एंड में जो भी पूछा जाता है उसके हिसाब से जो आपने लेट किया था उसकी वैल्यू आपने निकाल देनी, बात समझ गए, ठीक है जी। अगला सवाल क्या कहता है जी, अगला सवाल देखते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है, ये लीजिए क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं एक बार। ए रेडियो इज सोल्ड फॉर रुपीज 990, 990 रुपए पे सोल्ड किया गया, सेलिंग प्राइस है, बहुत अच्छी बात है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% और इसके अंदर 10% का प्रॉफिट है, ठीक है जी। व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट, इट हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज 890, तो अगर इस पर बेचने पर 10 रुपए का प्रॉफिट है तो आपसे पूछा गया 890 पर बेचूं तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो बता दीजिए, आप समझे, ठीक है। किस तरीके से होगा ध्यान से समझिए, सेलिंग प्राइस क्या है 990, 10% का प्रॉफिट है, 10% का मतलब होता है 10/100, कहने का मतलब अगर 100 मैंने सीपी लिया तो सेलिंग प्राइस मेरा निकल के 10% प्रॉफिट है तो निकल के आता है 110, ठीक है। 110 के हिसाब से, 110 के हिसाब से मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 990 है, कहने का मतलब 110 990 के बराबर है, तो कहने का मतलब एक किसके बराबर हुआ 9 के बराबर, तो 100 किसके बराबर हुआ 100 बराबर हुआ जी 900 के बराबर, तो कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस मेरी 900 है। अब मेरे से बोला गया 890 पर बेच रहा हूं, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस मेरा 890 है, तो जाहिर सी बात है 10 रुपए कम है तो लॉस कितना हो रहा है 10 रुपए हो रहा है, कितने पर 900 पर, तो 10/900 गुणा में 100 कर देना, दिस विल बी योर आंसर, बात समझ आई, ठीक है। कितने का लॉस है जी, इतने का लॉस है, कितने प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस परसेंट में पूछा जाए ये बता दीजिए, एक्चुअल में लॉस आप पर रुपीज में पूछा जाए तो इतना है, बोलो बात समझ, मजा आया, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आप लेके चलेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, और देखिए ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलिए लेते हैं एक और सवाल, ए मैन गेट्स रुपीज 13 मोर बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12 1/2%, भाई कोई आर्टिकल 12 1/2% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है, देन सेलिंग इट एट ए लॉस ऑफ दिस, और लॉस पर अगर हम बेचें उसी आर्टिकल को तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी 13 है। आपसे बोला द कॉस्ट प्राइस, आपसे बोला कॉस्ट प्राइस तुरंत प्रभाव से बता दीजिए उस आर्टिकल की कितनी होगी, ठीक। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस बताइए, आर्टिकल को एक बार प्रॉफिट पे बेचते हैं और एक बार लॉस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 13 है, किस तरीके से होगा, परसेंट से पकड़िए 12/2 24 और 1 25/200 ये बन रहा है जी, है ना, कहने का मतलब 200 के ऊपर 25 और यहां पर कितना है 12/2 24 और 1 25/200 यही बन रहा है, तो मैं सीपी क्या सेट कर लूं 200 कर लूं जी, सीपी मैं अगर 200 मान लूं तो एक बार 25/2% प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या निकल के आती है, ये आती है जी आपकी 25/200 225 मतलब 225 आती है। एक बार लॉस पे बेच दूं कितने 25/2% के हिसाब से, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, लॉस पे बेचता हूं तो इसका 25/2% लेस करेंगे, कहने का मतलब क्या होगा 25 रुपए लेस मतलब 175 आ गया,
दो सेलिंग प्राइस आ गई, ये है सेलिंग प्राइस और एक है ये सेलिंग प्राइस, बात समझे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी, 75, 25 और 25, 50 है जी। 50 किसके बराबर दे रखा है, 13 के बराबर दे रखा है, तो एक किसके बराबर है, 13 बटे 50 के। 200 किसके बराबर हो गए, यहां पर 100 नहीं, यहां पर 200, जो सीपी आपने सेट किया है उस पर निकालेंगे। तो 50 4 13 52, 52 रुपए उसका सीपी, बात समझ आई, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल, क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है समझते हैं एक बार। द परसेंटेज ऑफ लॉस, क्या बोला गया, द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज 50 इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट रुपीज 70। भाई परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट ये दोनों बराबर हैं। एक बार हम आर्टिकल को बेचते हैं 50 पर, तो जितना प्रतिशत लॉस हुआ वो बराबर है जब हम उसी आर्टिकल को 70 पर बेचते हैं और उस पर जो प्रॉफिट होता है उसके, कहने का मतलब 50 पर बेचा एक बार 70 पर, यहां पर लॉस हुआ, ये लॉस प्रतिशत में यहां के प्रॉफिट के बराबर है। द एबव मेंशनड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द आर्टिकल, आपसे बोला कि आर्टिकल के ऊपर लॉस है हाँ, The above mentioned percentage of profit or loss on the article, आपसे बोला कि ऊपर वाले इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो इसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये आप बता दीजिए, ठीक है। किस तरीके से होगा ध्यान से समझिए, प्रतिशत लॉस है प्रतिशत प्रॉफिट है, सीपी सेट कर लेते हैं एक बार एक्स, बात समझे। यहां पर लॉस हो रहा है, कहने का मतलब एक्स में से 50 घटाऊं बटे एक्स करूं और गुणा 100 करूं तो ये मेरा लॉस आ जाएगा प्रतिशत में। भाई सीपी माइनस SP, यही तो होता है, और अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये हमारा क्या होता है लॉस के केस में लॉस परसेंटेज निकालने का तरीका। दूसरा प्रॉफिट के अंदर क्या होगा, भाई 70 पर प्रॉफिट हो रहा है तो 70 माइनस एक्स बटा एक्स गुणा 100, बात समझ आई। यहां से ये कैंसिल हो रहा है, यहां से ये कैंसिल हो रहा है, 2x आपका बराबर किसका आ रहा है, 2x आपका 50 और 70 75 120, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 60 आ रही है, मतलब सीपी आपका 60 आ रहा है, बात समझ गए। सीपी 60 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेलिंग प्राइस क्या थी पहले, 50 थी, कहने का मतलब ये सीपी है, सेलिंग प्राइस पहले के इसमें 50 थी, तो 10 रुपए का लॉस है। कितने पर है जी, 10 रुपए का लॉस 60 रुपए पर है, गुणा 100 कर देना, ये आपका आ जाएगा प्रतिशत, कितने प्रतिशत लॉस हुआ, बात समझ आई, इसका 1/6। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 60 हमारा क्या निकल के आ रहा है, 60 हमारा क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 70 है, 10 का प्रॉफिट हुआ, 60 के ऊपर हुआ, 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों ही बराबर हैं, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था, बात समझ आई। क्वेश्चन इस तरीके से चलाइए, अगर समझ आ गई बात, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये लीजिए क्या बोला गया। ए शॉपकीपर गेन्स 20% व्हाइल बाइंग, भाई 20% तो जब उसने खुद खरीदा सामान बाई करते टाइम तब प्रॉफिट हुआ, द गुड्स एंड 30% वाइल सेलिंग, और 30% उसे किस पर हुआ जी, सेलिंग पर हुआ, बात समझे। फाइंड इट्स टोटल गेन परसेंट, टोटल गेन परसेंट बताओ, बहुत से नलायक क्या बोले दोनों को जोड़ दो 50% हो गए, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। बाई करते टाइम 20% का है, सेल करते टाइम 30% का, इफेक्टिव उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, पहले वाला दूसरे वाला जमा में पहला गुणा दूसरा बटे में 100, बात समझ आई। कहने का मतलब 30 और 2 कितना हुआ जी, 30 और 20 था ना, 30 और 20 कितना हो गया 50 हो गया, जमा में 3 2 6 600, 6 और जोड़ दो इसमें तो 56% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, 50% का नहीं हो रहा है। दो सक्सेसिव जब प्रॉफिट होते हैं तो उसका इफेक्टिव प्रॉफिट क्या होगा उसे निकालने का तरीका ये, बात समझ आई, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये ए परसेंट है ये बी परसेंट है तो ए प्लस बी प्लस में ए बी बाई 100, गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल सरल आसान, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है जी अगला सवाल, देखते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया, ये लीजिए क्वेश्चन के अंदर कुछ ये बोला गया है। ए सेलेबल आर्टिकल पासेस सक्सेसिवली इन द हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर्स, 3 ट्रेडर्स के हाथ से कोई आर्टिकल निकलता है, ईच ट्रेडर सोल्ड इट फर्दर एट ए गेन ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सीपी का हर एक ट्रेडर के लिए जो सीपी है उसका 25% प्रॉफिट वो हर एक ट्रेडर कमाता है,
इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड इट फॉर रुपीज दिस, लास्ट में जो ट्रेडर बचा अगर उसके लिए सेलिंग प्राइस 250 रुपया है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट ट्रेडर। आपसे बोला कि पहले ट्रेडर पर कॉस्ट प्राइस क्या थी ये बता दीजिए, ठीक है। किस तरीके से बताएंगे ध्यान से समझिए, तीन ट्रेडर हैं, पहला दूसरा तीसरा, हर एक ने 25% प्रॉफिट कमाया है, 25% बात समझे। तो लास्ट वाले का सेलिंग प्राइस ये है, फर्स्ट वाले का सीपी बता दो, सवाल को पकड़ो यहां से 25% से, तो 25/100 होता है, 25 × 1 = 25, 4 होता है। कहने का मतलब अगर 4 सीपी है तो प्रॉफिट लग के 5 क्या बन गया, एसपी बन गया। बस यहां से सीपी उठाया, यहां से एसपी उठाया, 4 है 5 है फिर 4 है ये 5 है फिर 4 है ये 5 है, तीनों का 4 × 4 = 16, 4 = 64, 64 आपकी क्या आ रही है सीपी आ रही है, सेलिंग प्राइस क्या आ रही है 125 आ रही है, 125 जो सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन के हिसाब से 250 के बराबर, जैसा कि आपको याद दे रखा है। एक किसके बराबर हो गया जी, दो के बराबर, 64 किसके बराबर हो गया, 64 बराबर हो गया किसके, दो के, 2 × 4 = 8 = 2 = 12, 128 रुपए उसकी सीपी है पहले वाले ट्रेडर के लिए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सवाल को इस तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे विदाउट एनी तकलीफ, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए। चलिए क्या बोला गया, रवि बाई सम चॉकलेट, रवि लाता है चॉकलेट, बहुत अच्छी बात है, चॉकलेट लाता है एट 2 for a rupee, दो चॉकलेट 1 रुपए में, रुपी, दो चॉकलेट 1 रुपए में, ये क्वांटिटी हो गई, ये रुपी हो गया, दो चॉकलेट 1 रुपए में लाता है, एंड सेल्स देम एट 5 for a rupee, और वो देखता है 5 for a rupee, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। हिज लॉस परसेंटेज, आपसे बोला इस सिचुएशन में लॉस प्रतिशत कितना है ये बता दीजिए। क्या बोला, दो चॉकलेट लाता है 1 रुपए में, 5 चॉकलेट बेचता है 1 रुपए में, जाहिर सी बात है लॉस होगा, कितने प्रतिशत होगा, यहां से एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस बोलो तो क्या आएगा 1/5, यहां से कॉस्ट प्राइस बोलो तो क्या आएगा 1/2, एसपी अपॉन सीपी बोलो, कहने का मतलब 1/5 गुणा में 2/1, कहने का मतलब 2/5, ये सीपी है ये एसपी है, लॉस कितना हो रहा है 3 का हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 और 5 कितने प्रतिशत, 100 से 5, 2, 20, 3, 60% लॉस उठा रहा है, पता नहीं क्यों उठा रहा है, बात समझे, 60% का लॉस है, इज दिस क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन चलाएंगे इस तरीके से, ध्यान से समझते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, ये लीजिए, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस, 10% लॉस पर बेचता है किसी आर्टिकल को, इफ ही हैड सोल्ड इट एट रुपीज 10 मोर, अगर वो 10 रुपए ज्यादा पर बेचता, ही वुड हैव गेन 10%, तो उसे गेन कितना होता, 10% का होता, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, पूरी सिचुएशन देखे, सीपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, किस तरीके से बताएंगे, 10% लॉस और 10% प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस 10 है, सवाल को ऐसे देखो, अगर 10% की हम बात कर रहे हैं तो 10/100 सीपी हमने 10 सेट किया, लॉस किया हमने एक बार, तो आता है 10% के लॉस के बाद 90 रुपए सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कर दें एक बार 10% प्रॉफिट, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल के आता है वो आता है 110, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 रुपया, और ये एक्चुअल में कितने के बराबर है, 10 रुपए के बराबर है, तो एक किसके बराबर हुआ, 10/20 के, हमसे पूछी है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर जी, 50 रुपए, बात समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से चलेगा, आई होप बात समझ आई होगी, नेक्स्ट सवाल, और देखिए दूसरी मजेदार चीज क्या है कि क्वेश्चंस की कमी नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जितने क्वेश्चंस कर लेंगे उतना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, और इसी चीज को ध्यान में रख के इस वीडियो को एंड तक आपने प्ले करना है। गेटिंग माय पॉइंट, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्या बोला जा रहा है ये लीजिए, अच्छा सवाल लग रहा है, ध्यान से समझेंगे, क्या बोला गया, इफ ए मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, मैन्युफैक्चरर ने 10% का प्रॉफिट कमाया, होलसेलर 15%, होलसेलर आया 15% लेके, रिटेलर 25%, रिटेलर चाहता है जी 25% में कमाऊं, यही तो होता है हर एक आर्टिकल के साथ, देन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल हुज रिटेल प्राइस इज दिस, रिटेल प्राइस दे रखी है एंड वाली कितनी है 1265 रुपया, आपसे बोला प्रोडक्शन जो बना रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी बता दीजिए, ठीक है, किस तरीके से बताएंगे, बहुत प्यार से बताएंगे, देखिए
इसे आप इस तरीके से समझिए कि ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, ये सब अपनी सीपी के ऊपर इतना प्रतिशत प्रॉफिट ले रहे हैं। इतनी बात समझ आती है? कहने का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या हो गया जी, 10/100, कहने का मतलब 1/10 प्रॉफिट है। होलसेलर का कितना हो गया जी, होलसेलर है जी 15%, मतलब 15/100, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 0, 3/20 प्रॉफिट ये कमा रहा है। फिर इसके बाद आता है ये 25%, मतलब 25/100, कहने का मतलब 1/4 प्रॉफिट ये कमा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई हम मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में जिसे मैं प्रोडक्शन कॉस्ट कह रहा हूँ वो लिख लेते हैं, और यहां से शुरू करते हैं सवाल को कि भाई 10 अगर उसका क्या पड़ रहा है, सीपी, ठीक है, 10 अगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है तो उसने प्रॉफिट कमाया 1, प्रॉफिट कितना कमाया 1, तो कहने का मतलब 10 के ऊपर कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद यहां पर कितना हो गया, 20 के ऊपर 23 हो गया, बात समझ आई। उसके बाद यहां पर कितना हो गया, 4 के ऊपर 5 हो गया, बात समझ आई। 20, 200, 4, 800, बहुत अच्छी बात है। और ये यहां पर कितना हुआ, 55, 55 × 23, कहने का मतलब 5 × 3 = 15, 1 = 10 और 1 = 11, 1, 1, 5 यहां पे, 5, 6, 2, 1, 1265, बात समझ आई। टोटल प्रॉफिट के बाद इतना बनता है, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी स्टार्टिंग वाली हमसे पूछी जा रही है, तो हमने एक टेबल बनाई, यहां पर 1265 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के हिसाब से 1265 है। 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, तो 800 की कितनी हुई जी, 800 हुई। कहने का मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी 800 दी गई है, ये इसका उत्तर। बात समझे, क्वेश्चंस को इस तरीके से आप चलाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे डेली, वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट है पूछिए। थैंक यू।